हमराही प्रोजेक्ट में हम लोग आज जुड़े हैं कुछ नए खेल के साथ, कुछ नए विचारों के साथ। तो खेलेंगे आप लोग खेल? तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है? प्रीता को। प्रीता को? इतनी प्यारी मुस्कुराहट है तुम्हारी, तुम्हें गुस्सा भी आता है? प्रीता तो हमारी टीम की झांसी की रानी है। अच्छा, कब करती हूँ मैं गुस्सा? पहले गुस्सा आता था लेकिन अब नहीं करती हूँ, अब गुस्सा को दबा लेती हूँ। दबा लेते हैं गुस्से को? तो आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोगों में से कौन कौन अपने गुस्से को दबा कर रखता है? बहुत सारे लोग हैं। चलिए इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो खेल स्टार्ट करें। Yes, sir. तो आपके सामने है गुब्बारे, कुछ चिट्ठियां और कुछ कंकड़ और पेन। आप लोग गुब्बारा उठाइए और उसमें ये चिट्ठी डालिए और इस चिट्ठी पर अपना गुस्सा लिखिए और अपने क्रोध के मुताबिक कंकड़ को गुब्बारे में डालिए। तो करेंगे आप लोग? जी सर। चलिए शुरू करते हैं। तो सब लोगों के पास पेन पेंसिल है सभी के पास? यस सर। और कंकड़? यस सर। और बैलून? वो भी है सर। यस सर। अपना गुस्सा लिखो, जो भी तुम लोगों के दिल में है वो सब लिख दो। लिखते जाइए जितना दिल में है, जितना भी राग द्वेष, कुछ भी गुस्सा किसी के भी प्रति लिखिए। चिट्ठी यानी जो आपका गुस्सा है अपने इस बलून में डालिए। और इसमें कंकड़ डालिए। अब इन गुब्बारों को फुलाइए। अब जो ये गुब्बारा है, मान लीजिए ये आपका दिल है और इसमें जो कंकड़ और चिट्ठियां हैं वो आपका गुस्सा और नकारात्मक भावना, और ये जो कंकड़ है आपके दिल यानी आपके गुब्बारे को घाव देते रहते हैं। जितना ज्यादा गुस्सा उतने ज्यादा घाव, और एक दिन ऐसा आता है कि गुब्बारा फूट जाता है, लेकिन हम इस गुब्बारे यानी अपने दिल को इन घावों से बचा सकते हैं, इसको फूटने से बचा सकते हैं। दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप इसको पिन मारकर अपने मन को हल्का कर सकते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि आप धीरे धीरे इसकी हवा निकालेंगे तब भी आपके मन को शांति मिलेगी। तो कहने का मकसद सिर्फ यह है कि अपने मन में किसी भी तरीके का गुस्सा दबाकर मत रखिए, एक दूसरे से शेयर कीजिए, आपका मन हल्का होगा। तो हम लोगों ने इतना अच्छा खेल खेला, कुछ तालियां तो बनती है ना?